तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइस आज एक फिर से नया फ्रेश वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप सभी के साथ। तो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मैक से एंड्रॉयड फ़ोन पर और एंड्रॉयड फ़ोन से अपने मैक पर कैसे फाइल डेटा ऑडियो वीडियो वगैरह जो है डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो बिल्कुल ईजी तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से। कोई वायरलेस तरीका नहीं है, कोई पेड तरीका नहीं है, बिल्कुल फ्री है और बहुत ही फास्ट है। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग साथ ही नॉलेजेबल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो गाइस इस वक्त आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं हमने अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन और कंप्यूटर की स्क्रीन दोनों आपके सामने पेस्ट कर दी है। अभी हम जाएंगे अपने स्मार्टफोन के अंदर क्रोम ब्राउज़र के अंदर। क्रोम ब्राउज़र के अंदर यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे स्नैपड्रॉप करके SNAP। तो देखिए आधा नाम डालते ही आ चुका है snapdrop.net करके। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। फिर जाएंगे हम अपने मैक पर यानी कि कंप्यूटर पर क्रोम ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर हमने पहले सर्च करके रखा था, देखिए snapdrop.net करके वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर क्लिक करते ही दोनों पर जो है हमारा कंप्यूटर पर अपना एंड्रॉयड का नेम और एंड्रॉयड फ़ोन पर अपना कंप्यूटर यानी कि मैक का नेम आ चुका है। तो अभी हम एक दूसरे पर क्लिक करेंगे, दोनों पर क्लिक करेंगे, ठीक है। दोनों पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर दोनों पर फाइल वगैरह शो कर रहा है यानी कि अभी हम जो है डेटा वगैरह जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे पर। तो देखिए दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से हम एप्लीकेशंस रिसेंट वगैरह सब कुछ डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप सब कुछ जो है यहाँ पर आ चुका है। फिलहाल दिखाने के लिए मैं आपको जो है यहाँ से जो है कुछ भी सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा एक वीडियो है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये जो है ट्रांसफ़र हो रहा है बहुत ही फास्ट तरीके से, ठीक है। तो देख सकते हैं दोनों पर दिखा रहा है हमारा ये वीडियो जो है ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे मैक से जो है एंड्रॉयड फ़ोन पर आ रहा है। तो जल्दी आने देते हैं, तो आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एंड्रॉयड फ़ोन पर जो है ये वीडियो जो है वो आ चुका है। 75.6 MB का वीडियो है, बहुत ही फास्ट तरीके से गाइज आ चुका है। हमने वीडियो पर कभी भी कहीं भी स्पीड नहीं किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो ठीक है ये हमारा आ चुका है। अभी हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से जो है मैक के अंदर डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो कितना फास्ट है मुझे उम्मीद है कि आपने पता लगा लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक कोई भी कुछ भी हो, चाहे फ़ोटो हो, इमेज हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से। हम गूगल ड्राइव के अंदर भी अगर आपका कुछ डेटा वगैरह है तो वो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके SD कार्ड पर भी अगर कुछ है वो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते। तो गाइस एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ से कुछ वीडियो यहाँ से मार्क करेंगे, आप देख सकते हैं सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जो है सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो जो है जा चुका है, ये देखिए कितना ईजी तरीके से और फास्ट तरीके से जो है फोटो हमारा जा चुका है। सेव कर देंगे, फिर से दूसरा वाला आएगा, सेव कर दिया। यही थी आज की वीडियो पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा नीचे कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। तो गाइस आज की वीडियो पर इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।